ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਰੇਡੀਓ 90.8 ਐਫਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 90.8 ਐਫਐਮ ਕੇ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री अनंतपुर साहिब के रेडियो स्टेशन में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर बंदना, जो हमें औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बंदना, हमारे सुनने वालों को बताइए कि औषधीय और सुगंधित पौधे होते क्या हैं। हाँ, सबसे पहले सारे सुनने वाले श्रोतागणों को मेरा सत श्री अकाल। और मैम, जैसे कि हमने आज ये टॉपिक पे बोलना है कि हमें दर्शकों को या हमारे श्रोतागणों को हमने इस टॉपिक के बारे में बताना है कि मेडिसिनल औषध पौधे और एरोमेटिक प्लांट, जिनको हम बोलते हैं सुगंधित पौधे, कि ये क्या होते हैं, है ना। तो हमारे जो औषधीय पौधे वो पौधे हैं जिनसे जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, या किसी बीमारियों को ठीक करने के लिए, या बीमारियों को रोकने के लिए, या हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, किसी उसको अच्छा बनाने के लिए, कि हम अच्छे ढंग से अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकें, इसके लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे मेडिसिनल प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं हमारे जिनका हम प्राचीन काल से वर्णन सुनते आ रहे हैं, जैसे हमारे आयुर्वेदा हैं, यूनानी हैं, सिद्धा हैं, हमारे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, जिनमें ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, जिसको हम औषधीय पौधे कह रहे हैं, ये यूज़ होते हैं। इन पौधों में से कई पौधे तो ऐसे हैं जिनको जो पूरे के पूरे यूज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमें जड़ से लेके फूल सीड तक उनका पार्ट, हर पार्ट यूज़ होता है। कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिनका कोई पर्टिकुलरली कोई विशेष जो पार्ट है वो यूज़ होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उनका जो है बीज यूज़ होता है, उनका फ्लावर यूज़ होता है, है ना। फ्लावर के भी पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे हम केसर में कहते हैं, केसर में हम फीमेल पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे कई पौधे हैं जिनके हम जड़ें यूज़ करते हैं, शतावर है जिनमें हम पूरे पूरे प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, जड़ें यूज़ करते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम फर्दर कुछ ना कुछ तत्व निकाल के उनका हम एलिलोपैथिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इन पौधों का बहुत प्राचीन काल से यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जैसे दूसरे हम सुगंधित पौधों के बारे में बात कर रहे हैं कि सुगंधित पौधे कौन से होते हैं। सुगंधित पौधे वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ सुगंध होती है, ठीक है। या तो वो हमारे खाने में स्वाद डालते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ हम स्पाइसेस, या जिसको हम बोलते हैं मसाले, हम मसाले यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो सुगंधित पौधों में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी सब्जियों में कुछ ना कुछ स्वाद डालते हैं, और उसके अलावा उन पौधों का भी कुछ ना कुछ हमें औषधीय गुण होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे हम हल्दी का पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, हल्दी तो हमारे शरीर को कई तरह से लाभदायक होती है, जैसे हम बोलते हैं कैंसर जैसी बीमारियों से ये लड़ने में हमें मदद करती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैम, पंजाब में ऐसे कौन से औषधीय और सुगंधित पौधे हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं? देखो मैम, यहाँ पे हमारे पंजाब में जैसे हमारे अलग अलग प्रकार की, जैसे हमने पंजाब को जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिनको हम कहते हैं, है ना, जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है ना, तो हम अपने 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 क्षेत्र की जलवायु देख के वहाँ के अकॉर्डिंगली कोई प्लांट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम, मैं बोल सकती हूँ कि जैसे लेमन ग्रास है जिसको हम बोलते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा का आजकल देखो बहुत यूज़ हो रहा है। एलोवेरा से हम बहुत सारी लाखों में कमाई, 1 लाख तक इन्वेस्ट करके हम 10-10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं अपने खेतों में। जैसे नीम है, हरड़ है आपका, आंवला है, तुलसी है, पुदीना है, ग्लोरियोसा है जिसको हम काली हरी भी बोलते हैं, फिर हम खैर लगा सकते हैं जिससे हमें कत्था, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है ना। तो जैसे एरोमेटिक प्लांट्स में भी हम, जैसे कई एरोमेटिक प्लांट्स जैसे मिंट है और सारे कस्तूरी भिंडी है, ऐसे करके बहुत सारे प्लांट्स को लगाए जा सकते हैं। जैसे मैम आपने बताएं, कुछ नाम बताएं औषधि और सुगंधित पौधों के बारे में, तो मैम जो आपने ये पौधे बताए, तो किसान भाई जो है हमारे, कोई आर्थिक जो है उनको लाभ मिल सकता है क्या? वो ये पौधे जो है आगे जाके बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते? देखो मैम, किसान भाई जो है वो अपने अपने निजी उपयोग के लिए और साथ में अपने आर्थिक रूप से अपनी कुछ कमाई करने के लिए भी इन पौधों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं आजकल। फिर आप उसके लिए मटेरियल, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम मटेरियल कहाँ से ले उगाने के लिए, है ना, कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है।
तो आप हमारे किसान भाई ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एलोवेरा लगा लिया, तुलसी के हम हेक्टेयर्स में कल्टीवेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े खेत लगा लिए। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि उसको बेचा कहाँ जाए, लगा ली तुलसी उसको कहाँ बेचा जाए। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी जैसे हमारे पंजाब में भी अलग अलग जगह जो मंडियाँ लगती हैं जहाँ पे हम अपने इनके मेडिसिनल प्लांट्स को, औषधीय पौधों को बेच सकते हैं, जैसे एलोवेरा को हार्वेस्ट करके हम वहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको मंडियाँ बताऊँ, जैसे आपके हमारे अमृतसर में है राजा ट्रेडिंग कंपनी है, के ट्रेडर है, एसएस एंटरप्राइजेज हैं, ये जो है हमारे अमृतसर में है। बाकी फिर हमारे शिवाला रोड लुधियाना में है, सरहंद रोड पटियाला में है, ऐसे करके ये बहुत सारी जो है हमारी इंडस्ट्रीज और जिनको कंपनीज और हम मंडियां कह सकते हैं जहाँ पे हम अपने रॉ मटेरियल को बेच सकते हैं। और मैम कोई एप्लीकेशन जो आजकल फ़ोन पे लोग आजकल फ़ोन चलाते हाँ, हैं मैम बहुत ये सारे, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो हैं आजकल देखो किसान भाई या उनके बच्चे हैं जो वो आगे आजकल सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, तो मोबाइल पे आजकल एप्लीकेशन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिसका मैं नाम बताऊँ, ई चरक करके। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए किसान भाई जो हैं वो अपना मटेरियल लगाने के लिए, प्लांटिंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, बीज भी खरीद सकते हैं, कटिंग खरीद सकते हैं और अपना फाइनली हार्वेस्ट करके उसको बेच भी सकते हैं निकाल के। जो मैम आपने एप्लीकेशन बताई आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे हमारे, हाँ और जी मैम स्पेलिंग उनकी बताएंगे? ये ई चरक करके जो है, ई चरक करके एप्लीकेशन है फ़ोन पे, जिसको हम ECHARA के नाम से प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे मान लो आपने किसी एक खेत में आपने एलोवेरा लगा लिया, ठीक है, एलोवेरा लगाने के बाद आप अपने उस फील्ड की फोटो खींच के आप उस एप्लीकेशन में डाल दो, ठीक है, आपको जो ऑल ओवर इंडिया जो है आपको कस्टमर जिसको वो एलोवेरा चाहिए या कोई कंपनी है वो आपकी उस फोटो को देख के आप नीचे उसमें अपना रेट लिख दें कि आप कितने रुपए पर केजी बेचना चाहते हैं उसको, तो कोई भी आपको इंडस्ट्री जो है वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी वहां से। फिर मान लो बाई चांस आपको नहीं करती है कोई कॉन्टेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन मंडियों में जाके इसको बेच सकते हैं, तो इससे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। और मैम कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी स्कीम है जो उनके लिए लाभदायक हो, इनके औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों के बारे में कुछ कोई स्कीम? हाँ जी है? मैम देखो सरकार ने इसके लिए, सरकार अपने किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे ऐसे मिशंस और योजनाएं बनाई गई हैं। पर्टिकुलरली जो हमारा जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये हमारा बनाया गया था जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके जरिए ये जो है बनाया गया था, ये 2000 में हमारा ये बोर्ड बनाया गया था। तो उस बोर्ड के अंतर्गत हमारे जो है आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना गया था, जिसको हम आयुष मंत्रालय भी कहते हैं ना, आयुष विभाग। तो उस वो आयुष विभाग जो है वो जो है इसमें फर्दर उसने मिशन चलाए जिसके ज़रिए जो है बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडीज हैं, वो सारी जो है इसके ज़रिए मिल रही हैं। और मैम कोई ऐसी एजेंसी है पंजाब में जो हमारे पंजाब के किसान भाइयों को लाभदायक हो इनके औषधीय पौधों? हाँ जी मैम, जैसे जानकारी कि मैंने बताया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा, आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, है ना, ये वाला डिपार्टमेंट है। तो जितने भी इन पुराने सिस्टम है, ये क्या है आयुर्वेदा योगा, ये पुराने सिस्टम है हमारे मेडिसिन के जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम हमारा जो मेन यूज़ है, आजकल हम कोई बीमारी होती है तो हम जो क्या करते हैं, हम एलिलोपैथिक मेडिसिन की अंग्रेजी दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं उनकी तरफ जाते हैं, है ना। तो ये जो हमारी पुरानी दवाइयाँ थी, जो पुराने हमारे सिस्टम थे, ये इनके पुराने मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ बेस्ड हैं, क्योंकि आजकल हमारी कई ऐसी असाध्य बीमारियाँ हैं जो हमारी अंग्रेजी दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जो है इन पुरानी दवाइयों की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आयुष डिपार्टमेंट के अंडर जो है एक आयुष मिशन चलाया था जिसको हम नेशनल आयुष मिशन कहते हैं। तो ये मिशन 2014 में आया था। तो 2014 के बाद इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए सब्सिडियां दी, ठीक है, किसानों को जैसे आप हमारे कुछ एक प्लांट्स हैं जिनमें हमें 75% तक, 75% सब्सिडी है, किसी में 50 है, किसी में 25 से 30% तक सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी जो है किसान जो है ये ले सकते हैं। जैसे अब आपने क्वेश्चन पूछा मुझे कि जैसे पंजाब के हमारे किसान भाई हैं तो वो कहाँ जाएंगे, है ना, तो वो जो है वो है पंजाब स्टेट मेडिसिनल बोर्ड, ठीक है, उसके पास जो उसके थ्रू जो ये है स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो, तो
तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया हर एक राज्य में ये स्टेट मैम ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर एजेंसी है, बनाई है। पंजाब स्टेट मेडिसिनल आपने जो बताया बोर्ड? हाँ ये मैम जैसे हमारे पंजाब के किसानों के लिए जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है पंजाब स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये है हमारा मोहाली में। अच्छा ठीक है, तो इनका मोहाली में चंडीगढ़ में किसानों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मान लो कि उनको मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन से पौधे लगाने हैं, सीड कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए में बेचना है, कितनी उनको सब्सिडी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी जो है वो इस बोर्ड से ले सकते हैं, इस बोर्ड से ले सकते हैं। तो कोई मैम अगर कोई फोन पे बात करना चाहे इन बोर्ड वालों का, कोई इनका कांटेक्ट नंबर है? हाँ जी मैम, जैसे इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको बताती हूँ, ये जो पंजाब स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो मोहाली चंडीगढ़ में है, इसका नंबर है हमारा 0172, जो कोड नंबर है 2298010। हाँ जी मैम, और जो आपने कुछ सब्सिडी के बारे में बताया था कि पौधों को जो है आप सब्सिडी में भी मिल सकते हैं, तो मैम आप बता सकते हैं वे पौधे कौन से हैं जो हमें सब्सिडी में जो है मिल सकते हैं? जैसे मैम सब्सिडी की बात की है ना, सिर्फ सब्सिडी की बात के लिए, सब्सिडी के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई है और ये जो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जो इसके बारे में हमें जानकारी देती है जो हमारी मोहाली में है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें इससे हम इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सब्सिडीज जो मिल रही है वो बहुत भारी है, सब्सिडी मिल रही है हमें, है ना। हमें सब्सिडी जैसे बाकी क्रॉप्स में मिलती है, बाकियों में उतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं है जितनी इसमें है। यहाँ पे हमें नर्सरी के विकास से लेके, जब आप नर्सरी लगा रहे हो साथ में उसकी कैसे कैसे आपने वो जो सारी उसकी स्थापना कर रहे हो, फील्ड में आप क्रॉप्स लगा रहे हो, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, फिर मेडिसिनल प्लांट्स का जो हार्वेस्टिंग तक ही काम खत्म नहीं होता। बाकी क्रॉप्स में तो हम एग्रीकल्चर जब फसलें लगाते हैं तो हम सीड एक बार हमने क्रॉप निकाल ली, गेहूं निकाल लिया तो हमारा काम खत्म हो गया है ना। इसमें आपका है कि आप हार्वेस्टिंग करेंगे उसके बाद आपको सुखाना भी पड़ेगा उस मटेरियल को, ठीक है, उसको बेचने से पहले आपको सुखा के उसको प्रॉपर इसमें देना पड़ेगा। तो सुखाने के लिए जैसे शेड्स बनाए जाते हैं उस पर भी सब्सिडी है। फिर आप उसके बाद आप जैसे इनके एंड में जो मार्केटिंग के लिए है या प्रोसेसिंग के लिए है, स्टोरेज के लिए है, इन सब में सब्सिडी है। कुछ एक ऐसे पौधे हैं जो जैसे हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उन्होंने प्रायोरिटाइज किए हैं, जिसको मतलब कि कईयों को विशेष तवज्जो दी गई है ना। तो वो जो ऐसे पौधे जो से जो कि इन फ्यूचर जो है जो वो विलुप्त होने वाले हैं उन पे सब्सिडी जो है वो ज़्यादा है, जैसे 75% से भी ज़्यादा है। जैसे हमारे अतीश पतीश हैं, चिरायता है जो कि पहाड़ों में पाए जाते हैं, उन पे ज़्यादा सब्सिडी है 75%, है ना। फिर बाकी जैसे हमारे पंजाब के लिए जैसे हैं 30% जो सब्सिडी वाले पौधे हैं, जैसे है रति जिसको हम एब्रस प्रिकेटोरियस भी कहते हैं, एलोवेरा है, शतावर है, नीम है, सदाबहार है, फिर तेज पत्रा है, इन पे जो है 30% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे रही है आप लगाने के लिए। फिर आपके पास जैसे 50% सब्सिडी वाले हैं पौधे कुछ एक, तो उनमें उनको भी किसान लगा सकता है। जैसे कि हमारे खैर है, इस पे हमें 50% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। बेल है, सीरस है, काली हरी है, सर्पगंधा है, अशोक है, इन सब पे जो है इतनी इतनी सब्सिडी मिल रही है। तो मैम ये थे आपने कुछ पौधे बताए जो सब्सिडी में मिल सकते हैं, तो मैम ये भी किसान भाई जानना चाहेंगे कि ये पौधे कहाँ से मिल सकते हैं और इन पौधों की पैदावार कैसे कर सकते हैं? मैम इस सब के बारे में जानकारी जो है वो जो मैंने वेबसाइट बताई कि ई चरक करके, ECHARAK, है ना, ई चरक करके जो ये हमारी एप्लीकेशन है फोन पे, इस पे आप जाके आप इसमें सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हिंदी में आपको और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में इसकी सारी जानकारी दी हुई है कि आपने कैसे कब लगाना है, सीजन से लेके सारी की सारी जानकारी, कितने मौसम में कैसे में। और अगर फिर भी किसान भाइयों को कुछ कंफ्यूजन हो, उनको ना पता चले कि कैसे करना है, तो हमारा जैसे स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो हमने मोहाली चंडीगढ़ की बताई, पंजाब नेशनल मेडिसिनल बोर्ड, उसकी पंजाब स्टेट मेडिसिनल बोर्ड, उससे वो जानकारी ले सकते हैं उनसे। हाँ जी, फोन सारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं, डॉक्टर बंदना मैम ने जैसे कहा है कि ई चरक करके एक एप्लीकेशन है, अगर आपको कुछ औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों के बारे में जो है मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको ई चरक करके एक ऐप जो है फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो आपको जानकारी हिंदी में भी देंगी और जिस भाषा में आप उसको जो है जानकारी लेना चाहते हैं उस भाषा में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आप फ़ोन के थ्रू जो है पंजाब स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड वहां पे भी आप कांटेक्ट कर करके आप फ़ोन नंबर जो है फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, 01 01 07
2298010। इस फोन नंबर पर भी आप जो है फोन करके औषधीय पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में, जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। ठीक है, धन्यवाद मैम।